देखो, आपको पोटेंशियल एनर्जी लास्ट टाइम भी किया था, आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है सिस्टम में, ये रही याद है, सी एक्स वाला क्वेश्चन किया था सेम, और आपको मास गिवन है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। जब भी एनर्जी गिवन हो और आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी हो, तो मैंने क्या तरीका बताया था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो सबसे पहले एनर्जी को यहाँ पुट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फोर तो बाहर आ गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, कॉस ऑफ टू एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, टू बाहर आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स वन, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, टू बाहर आ गया, टू इंटू फोर एट हो जाएगा। एंगल छोटे होते हैं एस एच एम में, तो साइन ऑफ टू एक्स की जगह सिर्फ टू एक्स, तो फोर्स रिस्टोरिंग क्या आएगी, माइनस 16x। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आपको क्वेश्चन में वन गिवन है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, एस एच एम हो गया, कंपेयर कर लें, ओमेगा आ गया, ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया। तो लास्ट टाइम भी हमने मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, तो आपको ये टेक्निक पता लग गई कि अगर यू गिवन है तो वहां से कैसे रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी है, और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन से एक ही क्वेश्चन आ जाएगी। और इसी तरीके से जैसे ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, मान लो ये नॉन मेडिकल क्वेश्चन है, फिर से मेडिकल के लिए नहीं है, कि अगर मान लो कोई मास है और वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है इस, मान लो इस कंटेनर में, और ये कंटेनर की शेप पैराबोला है, पैराबोलिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40y, ये दे दी उसने, और ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, आपको इसका टाइम पीरियड बताना है क्या है। अब रूल नंबर वन, जब ये मूव कर रहा है तो ये मान लो ओरिजिन है, तो ये इसकी किसी भी इंस्टेंट पर हाइट वाई है, तो किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल में एम जी वाई, काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर। अब वाई एक्स की फॉर्म में मुझे पता है कितना, एक्स स्क्वायर बाई 40, तो ये क्या आ गई, एनर्जी। अब टोटल एनर्जी इस पार्टिकल की मूवमेंट की हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, और लास्ट टाइम क्या डिस्कशन की थी कि एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन टाइम के साथ आंसर क्या देगी, जीरो, रोलिंग वाला क्वेश्चन करवाया था सेम। तो आप एनर्जी यहां पुट करें, इसको डिफरेंशिएट करें, एम जी बाई 40 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, और वी स्क्वायर की क्या होगी, टू इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वी, डी वी बाई डी टी क्या है, ए, वी से वी कट जाएगा, अपने आप ए और एक्स की इक्वेशन आ जाएगी, हमने पहले भी किया था, एस एच एम की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड।